एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग हिस्ट्री का सेवन चैप्टर सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग देखे कि द रिपोर्ट ऑफ द आइल विलियम एडम जो था वो क्या था। आज हम लोग देखेंगे न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स। तो 19th सेंचुरी तक जो कंपनी था वो ज़्यादातर प्राइमरी एजुकेशन को उतना फोकस नहीं कर रहे थे, वो हायर एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, उनको ज़्यादा इंपोर्टेंस दे रहे थे। तो वो जितने भी प्राइमरी एजुकेशन था या फिर जो वर्नाकुलर एजुकेशन था उनको वो बिना किसी इंटरफेरेंस से अपने हिसाब से पढ़ाने के लिए छोड़ दिए थे। लेकिन 1854 के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि जो वर्नाकुलर एजुकेशन है उसको भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है। तो एडम की रिपोर्ट के बाद उनको ऐसा लगा कि जो सिस्टम है वर्नाकुलर एजुकेशन का उसमें भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये जो इम्प्रूव है वो कैसे हो सकता है, जो रूटीन्स होता है या फिर जो रूल्स होते हैं या फिर जो रेगुलर इंस्पेक्शन होता है, ये सब लागू करने के बाद ही जो वर्नाकुलर एजुकेशन है उसमें इम्प्रूव देखने को मिल सकता है। तो ये जो है वो कौन से तरीके से किया जा सकता है उसको वो अभी देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी ने बहुत सारे लोकल जो गवर्नमेंट पंडित होते हैं उनको अपॉइंट किया, जिन्होंने कि 4 से 5 स्कूल को लुक आफ्टर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। मतलब एक एक गवर्नमेंट पंडित जो है वो एक साथ 4-5 स्कूल को इंस्पेक्शन करेंगे। तो द टास्क ऑफ द पंडित वाज टू विजिट द पाठशाला एंड ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। तो जो पंडित का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था कि वो जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर जाएंगे, विजिट करने जाएंगे और वहाँ पर जो टीचिंग का स्टैंडर्ड है वो कैसा है उसको इंस्पेक्ट करेंगे। जितने भी टीचर्स हैं या फिर जो गुरु हैं उनको एक पीरियोडिक रिपोर्ट्स सबमिट करने के लिए बोला गया। मतलब जो स्टूडेंट का इम्प्रूवमेंट है या फिर जो उनका जो स्टडी है वो कैसा चल रहा है उसके ऊपर उनको एक पीरियोडिक रिपोर्ट्स देना पड़ेगा। उसके बाद जो रेगुलर टाइम टेबल है उसके हिसाब से क्लासेस हो रहा है कि नहीं उसका भी एक रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो टीचिंग वाज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू ए सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। तो जो पहले के सिस्टम में ना टाइम टेबल था ना एग्जामिनेशन था, तो बाद में वो सिस्टम बदल कर उनको टाइम टेबल भी दिया गया, टेक्स्ट बुक भी उनको पढ़ने को बोला गया और उसी टेक्स्ट बुक के आधार से ही एनुअल एग्जामिनेशन करने को बोला गया था। और जो स्टूडेंट्स थे उनको एक रेगुलर फी देने को बोला गया, जो कि क्लासेस के स्कूल के लिए उनको उनसे वो फ़ी कलेक्ट किया गया, उनको क्लासेस भी रेगुलर अटेंड करने को बोला गया। उनका जो सीट था वो भी फिक्स था, जो बच्चे जिस दिन बैठेंगे हर दिन उनका जो सीट था वो फिक्स होता था और उनको जितने भी जो न्यू रूल्स और रेगुलेशन लागू किया गया था सबको वो भी करने को बोला गया था। सो पाठशाला व्हिच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वेयर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो जो पाठशाला में न्यू रूल्स लागू किए गए थे या फिर जितने भी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बोला गया था वो सभी गवर्नमेंट ग्रांट्स के थ्रू ही किया जा रहा था। ग्रांट्स का मतलब होता है फंड और मनी। तो जो न्यू रूल्स और न्यू रेगुलेशन लागू किए गए थे उसका एक उल्टा परिणाम भी देखने को मिला था। वो ये था कि जो गरीब बच्चे पहले हार्वेस्टिंग टाइम में अपने माता पिता को हेल्प करने के लिए जाके उनको हार्वेस्टिंग टाइम में उनको हेल्प करते थे, तो वो बच्चे न्यू रूल्स लागू होने के बाद हार्वेस्टिंग टाइम में स्कूल नहीं आ पाते थे। तो ऐसे में उनका जो रेगुलर अटेंडेंस लिया जा रहा था तो वो एब्सेंट होने की वजह से उनको इररेगुलर या फिर इनडिसिप्लिन बोल के बोला जाता था, जिससे कि जो बच्चे का पढ़ने का मन होता था तो भी उनको वो लोग पढ़ने का मन नहीं है या फिर ये जो है लैक ऑफ इंटरेस्ट है बोल के उन बच्चे को ऊपर बुरा असर पड़ता था। तो ये था जो न्यू रूटीन्स और न्यू रूल्स का ऑपोजिट रिजल्ट। उसके बाद देखते हैं द एजेंडा फॉर ए नेशनल एजुकेशन। तो खाली ब्रिटिश ऑफिशियल ही ऐसे नहीं थे जो कि वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में लागू करना चाहते थे या फिर वो इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में स्प्रेड करना चाहते थे। बहुत सारे ऐसे इंडियंस भी थे जो कि ये सोचते थे कि जो एजुकेशन जो है इंडिया में, इंग्लिश एजुकेशन का जो नीड्स है उसको इंडिया में लागू करना चाहिए, ताकि जो यूरोपियन कंट्री में जितने डेवलपमेंट हो रहा है या फिर जो एजुकेशन को लेके लोगों के लोग जितने एडवांस है तो वही सब इंडिया में भी हो बोल के वो चाहते थे। इसलिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोलते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है इंडिया में खोले और इंग्लिश एजुकेशन को एक्सपांड करे। तो ऐसे बहुत सारे इंडियंस भी थे, जैसे कि जो महात्मा गांधी होते हैं या फिर जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था। वो नहीं चाहते थे कि जो इंग्लिश एजुकेशन हो वो इंडिया में स्प्रेड हो। तो अभी देखते हैं कि जो टैगोर और गांधी थे उनका आइडिया क्या था इंग्लिश एजुकेशन को लेकर या फिर उनका जो विजन ऑफ एजुकेशन है वो क्या है।
तो महात्मा गांधी यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेप्ड अस, तो उनका इस सेंटेंस का मतलब क्या है ये पढ़ के पता करते हैं। तो महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड ए सेंस ऑफ इन्फेरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ द इंडियंस। तो महात्मा गांधी का सोचना था कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है या फिर जो इंग्लिश एजुकेशन है वो लोगों के दिमाग में एक सेंस ऑफ इन्फेरियरिटी क्रिएट कर रहा है लोगों के, इंडियंस लोगों के दिमाग में। तो इन्फेरियरिटी का मतलब होता है जो खुद को नीचा समझते हैं दूसरों से। तो जो इंग्लिश एजुकेशन का स्प्रेड हो रहा है तो जो लोग इंग्लिश बोल पाते हैं वो लोग खुद को दूसरों से सुपरियर समझते हैं, और जो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं वो लोग खुद को दूसरों से नीचा समझते हैं। इसलिए जो इंग्लिश एजुकेशन है वो लोगों के दिमाग में जहर भर रहा है बोल के महात्मा गांधी आर्ग्यू किए थे। तो ये जो है ये एक पाप है, ये लोगों को, इंडियंस को एनस्लेव्ड बना रहा है, मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज को वो अपने अधीन में कर रहा है लोगों को, वो उनके अपने दास बना रहा है। लोग जो है अपने ही खुद के कल्चर को लेके एसेंट महसूस कर रहे हैं, उनको अपने ही कल्चर को लेके शर्म आ रही है कि उनको इंग्लिश नहीं पता, उनका जो लैंग्वेज है वो दूसरों से बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है। तो ऐसे जो फीलिंग्स है वो इंडियन लोगों के दिमाग में इंग्लिश लैंग्वेज क्रिएट कर रहा है बोल के महात्मा गांधी आर्ग्यू किए थे। इसलिए महात्मा गांधी एक ऐसा एजुकेशन चाहते थे जो कि इंडियंस लोगों के जो सेल्फ रेस्पेक्ट या फिर उनका जो डिग्निटी और प्राइड है उसको फिर से रिक्रिएट कर सके, कि लोग एजुकेशन ऐसा एजुकेशन मिले जिससे कि उनको लगे कि उनका जो एजुकेशन है वो उनको उनके आत्मसम्मान को बढ़ा रहा है, ना कि उनको इन्फेरियर फीलिंग्स क्रिएट करवा रहा है। तो जिस समय नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो महात्मा गांधी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को अपील किए थे, उनको अर्ज किए थे कि वो लोग जितने भी ब्रिटिश स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं उसको छोड़ दें और वो लोग एक जो इंडियन इंस्टीट्यूट है या फिर जो इंस्टीट्यूशन उनको एक एनस्लेव्ड लेकिन उनको दास की तरह ना रखे, वो ब्रिटिश को वो दिखाने के लिए उनको बोले थे कि वो जितने भी कॉलेजेस हैं उसको छोड़ दें। तो महात्मा गांधी ये भी आर्ग्यू किए थे कि जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है या फिर स्कूल में जो इस भाषा में पढ़ाया जा रहा है वो भी इंडियन लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो लोगों को क्रीपर जैसा बना रहा है, उनको वो कीड़ा जैसा बना रहा है जो कि बिना किसी सपोर्ट से वो चल नहीं सकते या फिर वो रेंग नहीं सकते। तो वो लोग उनको अपने ही सराउंडिंग में एक स्ट्रेंजर के जैसा फील करवा रहे हैं। लोग अपने खुद के ही घर पे खुद के लैंग्वेज में बात ना करके वो किसी विदेशी भाषा में अगर बात करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ एक स्ट्रेंजर जैसा बर्ताव कर रहे हैं। तो जो प्यार और जो अपनापन हमारे खुद के लोकल लैंग्वेज में होता है या फिर हमारे इंडियन लैंग्वेज में होता है, वही फीलिंग्स, वही प्यार, अपनापन किसी विदेशी भाषा में नहीं होता। तो यही लैंग्वेज जो है जो कि लोगों के दिलों में दूरियां बढ़ा रहा है, उनके बीच में भेदभाव क्रिएट कर रहा है और उनको एक दूसरे से बहुत दूर ले जा रहा है। तो इसलिए महात्मा गांधी चाहते थे कि जो इंग्लिश एजुकेशन है उसको इंडिया में उतना स्प्रेड ना करके इंडियन लैंग्वेज को ही ज़्यादा फोकस किया जाए। तो महात्मा गांधी ये भी आर्ग्यू किए थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है या फिर जो इंग्लिश एजुकेशन है वो खाली रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, तो खाली टेक्स्ट बुक से पढ़ो और लिखो तो यही इसी के ऊपर ही बेस्ट रहता है वेस्टर्न एजुकेशन। वही जो इंडियन एजुकेशन है वो ओरल नॉलेज के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करता है। तो इंग्लिश और वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो टेक्स्ट बुक को ज़्यादा पसंद करता है किताबों को, रेदर देन जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है या फिर जो लाइफ एक्सपीरियंस होता है कि लोग जो है कुछ ना कुछ करके जो सीख पाते हैं उसको वो उतना इम्पोर्टेंस ना देके खाली टेक्स्ट बुक खाली किताबों के ऊपर ही उतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो महात्मा गांधी के हिसाब से किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो तब हो सकता है जब उसका हैंड और उसका माइंड और उसका सोल तीनों उस काम में इन्वॉल्व हो। तो वो लोग जब खुद करेंगे किसी चीज़ को, किसी चीज़ में वो एक्सपीरियंस लाइव एक्सपीरियंस देखेंगे तभी जाके वो किसी चीज़ को सीखने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। तो वेस्टर्न एजुकेशन महात्मा गांधी से फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल नॉलेज, इट वैल्यूड टेक्स्ट बुक रेदर देन लाइफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन ऑट टू डेवलप ए पर्सन्स माइंड एंड सोल। तो महात्मा गांधी के हिसाब से एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि एक पर्सन के माइंड के साथ साथ उसके सोल को भी डेवलप करे। तो लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट, तो खाली रीडिंग और राइटिंग के बदले जो बच्चा है उसका दिमाग और उसका जो आत्मा, उसका जो हार्ट कैसे सभी उसमें इन्वॉल्व हो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो पीपल हैव टू वर्क विद देयर हैंड्स, लर्न ए क्राफ्ट एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड। तो जब बच्चे अपने हाथ से कोई क्राफ्ट बनाना सीखेंगे या फिर कोई भी चीज़ को करेंगे तभी जाके उनका जो एक्सपीरियंस है वो डेवलप हो पाएगा, उनका जो माइंड है, उनका जो कैपेसिटी है, उनका जो काम करने का तरीका है या फिर किसी चीज़ को जो समझने का अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है वो सभी जो है एक साथ डेवलप हो पाएगा। तो इसलिए महात्मा गांधी वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते थे। तो ये था महात्मा गांधी के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है टैगोर,
अवार्ड्स ऑफ पीस। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर क्या रिएक्शन दिए थे उसके बारे में अभी देखते हैं। तो तुम्हें से बहुत सारे लोग शांति निकेतन का जो नाम है पहले से ही सुने हो, लेकिन ये जो शांति निकेतन है उसको किसने और क्यों एस्टैब्लिश किया था उसके बारे में देखते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 को एक इंस्टीट्यूशन शुरू किया था। तो जब वो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा हेट करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो स्कूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव है। तो जब वो स्कूल जाते थे उनको स्कूल में ऐसा लगता है कि जैसे उनका दम घुट रहा है, वो ज़्यादा ऑप्रेसिव उनको हर जगह पर रोक टोक करने को मिल रहा है, तो वो स्कूल जाने के लिए कभी भी पसंद नहीं करते थे। तो उनको जो स्कूल था एक जेल के जैसा लगता था, क्योंकि वो जो चाहते थे उनको वो करने को नहीं दिया जाता, जो वो करते थे सभी जगह में उनको मना कर दिया जाता था या फिर सभी में रोक टोक होता था, तो इसलिए उनको जो स्कूल था एक जेल के जैसा लगता था। तो स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा था सभी बच्चे जब टीचर्स को सुन रहे होते थे, जो टैगोर्स का दिमाग था उनका जो माइंड था वो बाहर के नेचुरल जो सीनरी होता है या फिर जो चीज़ होता है उसके ऊपर उनका माइंड जो था वांडर होता रहता, मतलब उनका जो दिमाग है वो बाहर की चीज़ों की ओर घूम रहा था ज़्यादा। तो उनके चाइल्डहुड का स्कूल का इसी एक्सपीरियंस टैगोर को एक नए स्कूल का नए एजुकेशन का सेव करने को उसको प्रेरणा मिला या फिर उनको इंस्पायर किया। तो जब वो बड़े हुए तो वो एक ऐसा स्कूल बनाना चाहते थे जिसमें कि बच्चे खुशी खुशी जाएं, उनको ऐसा ना लगे कि वो किसी बंद कोठरी में बंद होकर रह गए, किसी जेल के अंदर आ गए। जो बच्चे जब भी स्कूल आए उनको कुछ सीखने को मिले, वो पूरा फ्री हो कुछ भी करने के लिए या फिर वो कोई भी क्रिएटिव चीज़ बनाने के लिए उनमें इंटरेस्टेड हो, या फिर वेयर शी वॉज एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थॉट्स एंड डिजायर्स, जिसमें वो अपने खुद के थॉट्स, खुद के डिजायर्स, खुद का जो इच्छा होता है उसको वो एक्सप्लोर कर सके या कुछ भी करने का परमिशन उनको मिल सके। तो टैगोर फेल्ट देयर चाइल्डहुड ऑट टू बी अ टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग। तो जो चाइल्डहुड होता है वो सेल्फ लर्निंग का टाइम होता है, मतलब जो बच्चे हैं वो खुद कुछ ना कुछ करके सीख पाते हैं, तो आउटसाइड द रिजिड एंड रेस्ट्रिक्टेड डिसिप्लिन ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम। तो जो स्कूलिंग सिस्टम जो कि बहुत ज़्यादा रिजिड होता है या फिर जो रेस्ट्रिक्टिंग होता है सभी में जो रोक टोक होता है, तो ऐसे सिस्टम से बाहर निकल के एक फ्री एंड जो फ्री वातावरण होता है एनवायरमेंट, ऐसे में बच्चे जो है बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। तो टीचर्स हैव टू बी इमेजिनेटिव, जो टीचर्स होते हैं वो इमेजिनेटिव होने चाहिए, अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी। तो वो बच्चे को समझेंगे और बच्चे का जो क्यूरियोसिटी होता है, उनका जो जानने का इच्छा होता है कोई भी चीज़ को लेके, उसको डेवलप करना ही होता है टीचर्स का काम। तो अकॉर्डिंग टू टैगोर द एग्जिस्टिंग स्कूल किल्ड द नेचुरल डिजायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव हर सेंस ऑफ वंडर। लेकिन जो ब्रिटिश का स्कूलिंग सिस्टम था या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस था, वो किसी भी बच्चे का जो नेचुरल डिजायर होता है कोई भी चीज़ को सीखने का या फिर जो क्रिएटिवनेस होता है उसको वो पहले से ही मार देता है। टैगोर का मानना था कि जो क्रिएटिव लर्निंग है या फिर जो क्रिएटिव थिंकिंग और थाट्स है वो खाली नेचुरल एनवायरमेंट ही डेवलप हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने शहर से बहुत दूर जो कि करीब 100 किलोमीटर दूर था कलकत्ता से, तो ऐसा एक गांव का साइट वो चूज किए थे अपना स्कूल सेटअप करने के लिए। तो जिसमें कि उसको उनका नाम वो रखे थे ही 100 इट इज़ एन अवार्ड ऑफ पीस, मतलब शांति निकेतन। शांति निकेतन का मतलब होता है अवार्ड ऑफ पीस, जहाँ पे कि शांति रहता है। तो वेयर लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर चिल्ड्रेन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी। तो ऐसे अगर नेचर के साथ वो पढ़ेंगे तभी जाके उनका जो नेचुरल चीज़ है या फिर उनका जो क्रिएटिविटी है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों में गांधी और टैगोर का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें बहुत कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिला था, वहीं दूसरी तरफ उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी देखने को मिला था। तो डिफरेंसेस कौन सी चीज़ में था कि गांधी जैसे कि क्रिटिक वेस्टर्न सिविलाइजेशन को लेकर या फिर जो इंग्लिश एजुकेशन को वो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते थे या फिर जो टेक्नोलॉजी और मशीन को वो उतना पसंद नहीं करते थे, वही टैगोर वो चाहते थे कि जो एजुकेशन हो वो वेस्टर्न एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन का कॉम्बिनेशन में बच्चे को दिया जाए, जो बच्चे जो है वो हर तरह के एजुकेशन को सीख पाए, बोथ वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंडियन एजुकेशन। वो अपने शांति निकेतन में बच्चे को साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ाते थे एलोंग विद द आर्ट म्यूजिक एंड डांस। तो इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से उनको आर्ट म्यूजिक और डांस भी सिखाते थे और वेस्टर्न एजुकेशन के हिसाब से उनको साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में भी नॉलेज देते थे। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे इंडियन नेशनलिस्ट थे जो कि एक
नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन सेटअप करना चाहते थे जो कि इंडियन के हिसाब से हो, सभी लोगों के लिए सही हो। तो वही कुछ लोग जो थे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको कंडेम, उसको निंदा कर रहे थे, उसको पसंद नहीं कर रहे थे और एक अल्टरनेट सिस्टम, कोई नया तरीका लागू करने के लिए बोल रहे थे। तो कुछ लोग जो थे इसी एजुकेशन को वो पसंद करते। तो ऐसे बहुत सारे नेशनलिस्ट थे जिनका जो व्यूज था वो लोगों का जो व्यू था वो एजुकेशन सिस्टम को लेके अलग अलग होता था। तो ये था एजुकेशन।